बरेली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा कल आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस दौरान बिथरी जैनपुर के विधायक राघवेंद्र शर्मा, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से आदर्श जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, बचपन डे केयर सेंटर के शिलालेख का अनावरण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धियों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। देखिए, DDRC का आज जो है हमारे यहाँ, जैसे माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, जिले में DDRC के रूप में बरेली का चुना गया है। ये हमारा अपना भवन है और यहाँ पर दिव्यांगों की सेवा के लिए कार्यक्रम चल रहा है। तमाम सेवाएं डॉक्टर्स के द्वारा दी जा रही है, NGO का स्टाफ लगा रहता है, हमारे दिव्यांग कल्याण अधिकारी प्रयास करते हैं। अब तक लगभग 3,000 लोगों को पुनर्वासित किया गया है, जैसे उनको कृत्रिम अंग देना और उनको सुनने में परेशानी है तो उसमें उनको यंत्र उपलब्ध कराते हैं, साथ साथ फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हैं। यही इसी पर्पज़ से ये चल रहा है और आने वाले दिनों में वैसे तो प्रयास है कि एक दूसरा भवन बने, अगर वो नहीं हो पाता तो इसी भवन को और अच्छे से रिनोवेट करा करके इसमें फुल फ्लेज चलेगा, जिससे आसपास जनपदों के भी दिव्यांगों की सेवाएँ। ये अमृत महोत्सव के अवसर पर और जो अभी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, फिर महात्मा गांधी और शास्त्री जी, तो एक 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा सप्ताह इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मनाया जा रहा है और हमारी सरकार दिव्यांग जनों के लिए कितनी गंभीर है उनके प्रति, ये इसका परिणाम है कि सेवा सप्ताह में भी उनको आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनका सम्मान समाज में रहे और वो स्वावलंबी बने, इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मैं आज की तारीख में मानता हूँ कोई भी दिव्यांगजन ऐसा नहीं है जो स्वयं स्वावलंबी ना हो और उसको इंस्ट्रूमेंट सरकार के द्वारा ना दिए जा रहा हो।